गाइज ऑलमोस्ट 62.82। तो नहीं गाइज फाइनली यहाँ पे गेम हो चुका है, यहाँ पे स्टार्ट और पहला राउंड यहाँ पे होने वाला है। क्या लगता है गाइज, आज कौन यहाँ पे जबरदस्त गेम प्ले दिखाने वाला है अपनी साइड से? गाइज कमेंट करके जरूर बताओ कौन सा प्लेयर आप लोग लगता है कि हाँ वो बेस्ट यहाँ पे। भाई महा मुकाबला यार। जी गाइज महामुकाबला, वो भी यहाँ पे लिमिटेड मैच है। सीधा लिमिटेड यहाँ पे गाइज बात की जाए तो लिमिटेड मैच यहाँ पे होने वाला है। फर्स्ट गेम पिंक को मैं देखना चाहूंगा, और यहाँ पे विंसेंजो पीछे की तरफ आई हो रही, और यहाँ पे एमेटन, एमेटन की बात की जाए तो आ चुके हैं और यूएमपी फर्स्ट राउंड में यहाँ पे लिया है। बट सन्नाटा जरूर मिलेगा, लिमिटेड गेम में सन्नाटा जरूर रहता है भाई, थोड़े टाइम के लिए सन्नाटा जरूर यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। स्टार्टिंग के राउंड इंपैक्ट करने वाले हैं इस मैच के अंदर। जोन सी टीम स्टार्टिंग में लेगी ना 3-4 राउंड, फिर तो वो टीम पूरा एग्रेशन दिखाएगी, फिर नहीं रुकने वाले वो हाँ प्लेयर्स। स्टार्टिंग में एक बार हो गया ना कि उनको पता चल गया कोई सी भी टीम को कि ये टीम कम है, फिर ये टीम कम है, फिर कहीं ना कहीं 3-4 राउंड मिल गया तो वैसे भी रस मार देता है बंदे तो मजे में। हाँ। अरे भाई क्या वेट हो रहा है यहाँ पे गाइस, क्या चल रहा है अपनी लास्ट तरफ से, जोन, क्या पूरा हुआ? हाँ लास्ट में तो लास्ट जोन में एकदम फुल बूम बाम होने वाला है दोनों टीम से। भाई 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 किसको देखो यार, इतने सारे लेजेंडरी प्लेयर्स है ना भाई, किसको देखो भाई मैं यहाँ पे। तूफान तूफान किसका दुपट्टा उड़ कहाँ पे के है आ भाई? तूफान ये है? गया? अरे अरे भाई अरे दुपट्टा भाई ब्रो आ गया आज गलती मुंह छुपा के भाई फेस रिवील नहीं कर रहा इधर भी तूफान। से। और एक प्लेयर को अरे यहाँ पे चलिए नॉक कर दिया गाइस, और एक को यहाँ पे नॉक कर दिया, क्या बात है, पहला नोक एक लेजेंडरी गेम में यहाँ पे, और विंसेंजो को भी यहाँ पे नॉक कर दिया। ओ माय गॉड, पहले दो किल्स यहाँ पे निकाल लिए भाई, अब यहाँ पे बचते हैं एमेटन और पिंग यहाँ पे बचते हैं गाइस। क्या लगता है विदाउट स्मूथ भी क्या ये टीम जलवा बिखेरने वाली है यहाँ पे? ओके जय भाई, लग रहा था बैठा बैठा गया। एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है इस मैच को लेके ब्रो, बहुत जी ज्यादा। वही हर एक प्लेयर से कोई भी बंदा कैसा भी क्लच और कर सकता है, और मोबाइल ओ में भी गाइस यहाँ पे ओनली भाई रेड मार दिया भाई। यहाँ पे बता रहे हैं फाइट में सब 2v4 की हो चाहे 2v2 की, मैच बराबरी पर चलेगा भाई। भाई भाई और भाई 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 ये जो तूफान अरे भाई, अरे यार ट्रिपल किल यहाँ पे पिंक का, बट एक ही गोले की वजह से, अगर यहाँ पे डेजर्ट का एक भी शॉट पड़ जाता फिनिश हो सकते थे, बट यूएमपी से भाई पिंग ने काफी अच्छा यहाँ पे खेला है, क्या ही क्लच किया है फर्स्ट गेम, और यहाँ पे फर्स्ट राउंड में ही गाइज यहाँ पे दिखा दिया है, क्योंकि स्टार्टिंग में लगा था दो प्लेयर फिनिश हो गए तो एक तरफ हो सकता है यहाँ पे ये गेम कहीं ना कहीं पहला राउंड हम लोग बाजी मार सकते हैं, बट पिंग ने यहाँ पे एट द लास्ट में आके यहाँ पे बाजी जरूर मारी, और गाइज स्कोर यहाँ पे 0-1 यहाँ पे हो चुका है। भाई भाई वो मैसी आने वाला है गाइज नेक्स्ट गेम में। दोनों तरफ हाई कैलिबर प्लेयर्स हैं। अकेला बंदा जी दम रखता है दो दो तीन तीन बंदे कराने का, तो भाई इजी नहीं लेना है विंसेंजो बिल्कुल भी किसी को। एडब्ल्यूएम यहाँ पे ले लिया भाई इस बार विंसेंजो ने, देखने वाली बात रहेगी क्योंकि रूल्स का तो यार कुछ बात ही नहीं हुआ इस गेम में, और हमारे प्लेयर्स को भी पता होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए कि भाई एडब्ल्यूएम तुम भी यूज कर सकते हो। K57 का हेड, ओ और पीछे से विंसेंजो आने छोटा वाले हैं, मेरे को भी ऐसे लग रहे हैं, नहीं नहीं दूसरी गए साइड है नहीं कोई है, तो बंदा है उधर। नहीं है कोई पहुंचे नहीं है। अरे भाई अरे भाई 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 नोटा को डाउन, भाई 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 गाइस अब इनके हाथ कहीं तो ना कहीं लग रहा स्कोरिंग है से ही मुश्किल हो ज्यादा है। सकता है, बट टगारू पे यहाँ पे भरोसा जरूर है क्योंकि टगारू यहाँ पे दो बंदे, यार आवाज तो आ रहा है ये, बट उधर पहले भी कोई नहीं था क्या, अभी भी कोई नहीं है? जस्बी को देखते हैं, ये भी को, जस्बी वो को जी की छत तरफ पे है, है। जस्बी का है, छोड़ भाई भाई क्या हैकर की तरह जस्बी ने यहाँ पे मारा है, तूफान को देखेंगे। और रे भाई भाई रोड भाई सामने से भी बिल्कुल है का शॉट, बट भाई ओ तगारू पे भाई, गजब तगारू का यहाँ पे इस गजब। मैच के अंदर हेड मारोगे तो बचोगे नोस्टोपोरो, वरना आपका बचने का कोई सवाल वही ही मेरे को ये लग रहा है नहीं भाई, जो बंदा यहाँ पे बेस्ट ले रहा है ना तो गलत ले रहा है भाई वो। है। हेलमेट लेना सही है। अरे अरे भाई भाई तगारू ओपी तगारू, कॉल फंस सकते हैं यहाँ पे, एक ही गोली के बचे हैं। अरे ओपी अरे ओपी
भाई 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 गेम बन सकता है पे। अरे यार तूफान थोड़ा ऊपर में जरूर खड़े हो गए, तूफान को मेरे सबसे पीछे जाके खड़ा होना चाहिए था। मैं 10 भी यहाँ पे बचे हैं। स्कोर गाइस यहाँ पे हो चुका है 0-2। रेंज गेमर थैंक यू और 100 रुपीज सुपर चैट वाइट ट्रिपल वेलकम ब्रो प्लीज से। यार कुछ अभी नहीं बोल सकते गाइस, अब देखो विंसेंट जो यहाँ पे देखने के लिए मिल गया, कोई सा भी प्लेयर हो सकता है ये जो फाइट एक तरीके से। यहाँ पे एनजी वर्सेस वीआईपी एज अ फाइट थी ये, बट अभी हम लोग देख रहे हैं भाई एमएटन तो ऑलरेडी वीआईपी में आ चुका है। विंसेंट जो भी यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है और बाकी प्लेयर्स का भी कंफर्मेशन नहीं है भाई कौन कब आ जाए यहाँ पे, कौन सा यूट्यूबर आ जाए। एक वीवेज यूट्यूबर बोला तो है, वो कौन से होने वाले हैं वो भी हम लोग देखेंगे, शायद सका का ही यहाँ पे। अरे गाइस देखते हैं हियर वी गो। यार देखो चले भाई जेस वी गो राय को एक बार और मैं मैसेज कर देता हूँ। सब गोल्डन प्ले चल रहा है अभी से ही, दो दो की स्ट्रेटजी में खेलती हुई नजर आ रही है अपनी टीम जी। विंसेंजो विंसेंजो हाइट पे टॉप पे हाँ। जा चुके हैं अभी ओम लेके यहाँ पे। यार हम लोगों को भी कॉल करके बताना पड़ेगा प्लेयर्स को, क्योंकि हम लोग ना विदाउट एडब्ल्यूएम रूफ ही अपना आप रूल्स मान के खेल रहे हैं ना ये सब बंदे। बिल्कुल हाइट का आईडी है। वीआईपी पिंग आगे बढ़ते हुए गाइस पूरा यहां पे होल्ड यहां पे किया जा रहा है गाइस दोनों टीम से। स्टार्टिंग के दो राउंड से यहां पे निकाले जरूर है, बट दोनों राउंड ऐसा नहीं एक तरफा से हुए, काफी क्लोज यहां पे रहे हैं। बिल्कुल लास्ट में हम लोगों ने देखा है गाइस प्लेयर्स का काफी क्लोज यहां पे रहे हैं। विंसेंजो को देखते हैं, ओ भाई विंसेंजो आगे तरफ, ओ काफी लो है, ग्लू वॉल लियन के पास है, ग्लू वॉल नहीं और ओपन में थे यहाँ पे। पिंग को देखते हैं ये अभी को, पिंग यहाँ पे आगे तरफ बढ़ते गए यूएमपी और यहाँ पे गाइस बात की जाए एडब्ल्यूएम के साथ। नो कोई नॉक हुआ है, कोई तो हुआ है सामने वाली टीम से, हमारी टीम से हुआ है। एक बंदा हो गए भाई इधर से बचे हैं। ओह जेस भी तूफान वो टगारू 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 आई थिंक नॉक बंदा ने बने फिनिश हो गया। टगारू खेले भाई टगारू भी यहाँ पे फिनिश जिस तरीके से यहाँ पे फर्स्ट गेम यहाँ पे खेल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं गाइस बेस्ट ऑफ 5 मैचेस होने वाले हैं और जिस तरीके से बट यहाँ पे खेल रहे हैं ना वो हेडशॉट्स में, ऐसा भी नहीं है कि यार शॉट गन या फिर M10 से कोई स्पैम, ओनली यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है हेडशॉट हेडशॉट हेडशॉट। और डेजर्ट ईगल टगारू ने ही यहाँ पे किल किया अपनी तरफ से देखा जाए तो 5 किल टगारू ने निकाले। तूफान का यहाँ पे 1 किल जरूर है, बट नोटा और जेस भी अभी यहाँ पे शांत जरूर है। और गाइस नेक्स्ट गेम में यहाँ पे आने वाले हैं, मेसी यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, बट लेट्स सी क्योंकि मेसी भाई AWM खतरनाक चलाते हैं। नेक्स्ट गेम भी यार लिमिटेड ही रखेंगे और AWM अलाउ क्योंकि यहाँ पे बैकअप अच्छा हो जाएगा अपने पास। बैकअप तो खतरनाक हो जाएगा कि मेसी अगर यहाँ पे आ गए बैकअप काफी खतरनाक देखने को मिल सकता है, जिसमें रूफ भी यहाँ पे अलाउ है। हमें यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए 3 किल यहाँ पे निकाल चुके हैं। लेट्स सी गाइस विंसेंट जो राइट से रोटेशन लेके पहुंच चुके हैं, पूरा पीछे से घूमना चाहते हैं शायद। भाई भाई मेरे को लग रहा है इनकी घेर लिए भाई एक तरीके से स्क्वाड। बिल्कुल चलिए गाइस देखते हैं मैडन यहां पे आगे बढ़ते हुए 3 किल बट अगर स्पॉट कर लिए तो इजी भी हो सकता है भाई। किनकी फाइट हो रही है, किससे हो रही है यहां पे जो सामने है भाई खतरनाक। V3 निकालनी पड़ेगी ये फाइट, टगारू और तूफान की जोड़ी एक साथ, बट मेरे को लग रहा है काफी मुश्किल अभी यहाँ पे होने वाला है गाइस क्योंकि टगारू 2v4 यहाँ पे सिचुएशन। टगारू का नॉक आएगा, अरे टगारू क्या तूफान भी एक प्लेयर को क्या तूफान ने भी नॉक किया, अगर कर देते हैं तो यहाँ पे मैच कहीं ना कहीं धीरे धीरे बन सकता है गाइस। 2v3 यहाँ पे पिंक को फिनिश किया बट विंसेंजो एमेडन अभी भी यहीं पे मैच में बरकरार है। एमेडन आगे की तरफ आगे बढ़ते हुए M10 लेके, बट किसी से तो फाइट यहाँ पे चल रही है ऊपर कि बंदा दिखेगा 6 गोली उतरेंगी बंदे में सीधी तो अबे कहीं ना कहीं यूएमपी के लिए दिक्कत हो जाएगी शॉर्ट रेंज में, गाइस क्या चीज से बचना पड़ेगा। ये बंदा ऊपर आ आ ओ भाई ओ भाई क्या यहाँ पे एक भी शॉट कनेक्ट हो गया तो मजे आ जाएंगे, बट अब नीचे की तरफ जाना पड़ेगा। टगारू यहाँ पे नॉक हो गए भाई, ओपी तूफान वो नहीं कहा से नीचे यहाँ पे थे। तो गाइस स्टार्टिंग के मैच की यहाँ पे बात की जाए तो भाई अभी तक तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक यहाँ पे खेल रहे हैं।
फोर यहाँ पे जीरो, फोर यहाँ पे आ चुके हैं स्टार्टिंग के चारों यहाँ पे राउंड्स काफी खतरनाक यहाँ पे निकाले हैं भाई मीना सर्वर की टीम ने, यानी कि जिसमें आज है गाइस विंसन जो और एमिटन यहाँ पे आप लोग देखने के लिए मिल रहे जरूर होंगे। लेट्स सी क्या कमबैक यहाँ पे हो पाएगा। मोस्ट ऑफ द जब भी हम लोग खेलते हैं भाई पहले मैचेस तो हमारे पता नहीं क्यों बेकार जाते हैं इतने। स्मूथ का भाई, स्मूथ का मैंने आप लोग बताया ना गाइस, स्मूथ का थोड़ा सा लाइट का इशू है क्योंकि केरला में सुबह से बारिश हो रही है जहाँ पे वो रहता है, तो लाइट का इशू अगर आ जाएगी तो वो आप लोग देखने के लिए मिल जाएगा। चल गए देखते हैं यहाँ पे आयोरी की बात कीजिए, छह के लिए यहाँ पे निकाल चुके हैं। एमिटन की बात कीजिए, चार के लिए यहाँ पे निकाल चुके हैं। टॉप पे इस बार यहाँ पे जगह ले लिया दो प्लेयर्स ने, बट यहाँ पे विंसेंटो की बात की जाए तो ठीक है कहाँ से फ्लैंक कर रहे हैं और सामने भाई प्लेयर देखने को मिले। आई थिंक मेरे को लग रहा है यहाँ पे टगारू होंगे, यहाँ पे टगारू तो देखने के लिए मिलते हैं हम लोग फ्लैंक पे, यहाँ पे टगारू वर्सेस विंसेंटो होने वाला है, टगारू वर्सेस विंसेंटो ये गेम होगा। बट मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं दोनों स्प्लिट यहाँ पे जरूर हो जाएंगे और देखते देखते आयोरी को इस बार नॉक कर दिया, पहला नॉक यहाँ पे निकाला जरूर है। एक और प्लेयर को यहाँ पे नॉक कर दिया गाइस, एमिटन को भी नॉक यहाँ पे कर दिया, विंसेंजो पिंग यहाँ पे बचे, बट लेट्स सी क्या विंसेंजो की यहाँ पे डब्लम का कमाल यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है हम लोगों को। डब्लम के शॉट्स यहाँ पे ले जरूर रहे हैं, सामने पिंग बचे, आई थिंक इस बार कमबैक देखने को मिल सकता है। भाई गजब, अगर इस वाले राउंड में कहीं ना कहीं अच्छा खेल के जरूर दिखाया क्योंकि स्टार्टिंग में दो नोक निकालना भाई, एक एमेटन का एक पिंक का इतना इजी होता नहीं है वैसे। बिल्कुल परिस्थिति को समझ रहे हैं मैच की भाई होता है जब भी नए सर्वर में जाते हैं एक दो गेम तो कहीं ना कहीं उनको लेते ही है भाई एक दो गेम जो उनकी। और आज ये टीम देखो ना आप, रोटेशन भी काफी अच्छी ले रहे हैं और हाइट भी ले रहे हैं, स्नाइपर भी ले रहे हैं, अक्सर ऐसी करती नहीं है टीम, सीधा सीधा खेलती है। बट अभी डिफरेंट स्ट्रेटजी है वही, अभी बहुत ज्यादा हम लोग देखा है गाइस जैसे ब्राजील से स्टार्ट हो चुका है ना तो बहुत ज्यादा लिमिटेड का क्रेज हो चुका है भाई, आप लोग भी थोड़ा अनलिमिटेड को साइड रखो, अभी जो मैसेज लिमिटेड हो आप लोग भी देखो। एक प्लेयर को नॉक किया गया है गाइस और देखते देखते दो प्लेयर वो भी दूर से ही यहाँ पे नॉक कर दिया भाई, किले बढ़ गई है कहीं ना कहीं। चलिए जज भी सरवाइव हुए हैं, सरवाइव मिलेगा नहीं, प्लेयर आ रहा है सामने से और टगारू ने यहाँ पे देख लिया है, ले लेंगे और इतना माइंड लगाया उस बंदे ने भी भाई, क्या ग्लूअल मारा पीछे से तुरंत ही। दो प्लेयर रश कर रहे हैं, दो प्लेयर रश और गजब भाई, ये मैं बोलूंगा ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आईक्यू जिस तरीके से टीम वर्क आया ना, टगारू के पीछे कोई तो प्लेयर थे यहाँ पे और शायद वो है यहाँ पे नोटा जिस तरीके से आए थे। अब यहाँ पे पिंक बचे और विंसेंजो, विंसेंजो को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गया, यहाँ पे अकेले प्लेयर बचे हैं भाई एडब्ल्यू के साथ में, तीनों प्लेयर रश कर रहे हैं, कितने 150 शॉट्स यहाँ पे लगाएंगे। अरे रे 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 भाई इतना ऊपर में नहीं आना चाहिए वैसे, इतना ऊपर में बंदे भाग के जा रहे हैं ना सीधा। अरे भाई नहीं नहीं नहीं, वैसे उसकी कमी यहाँ पे, हाँ वैसे जोन से भी मर सकता है भाई ये बंदा भी। हाँ, अरे यार किल लेने के चक्कर में भाई, भाई मैच ना खिंच जाए आज से गलती से भाई। अरे भाई भाई लिटरली व्हाट पिंग क्या ही यहाँ पे खेला है भाई, ओपी पिंग जैसे एकदम से बस हम लोगों तो रश करके मारना है भाई, सीधा बस रश करके हम लोगों को खेलना है, उस टाइप का थोड़ा देखने के लिए मिल रहा था कि देखते हैं पहले किसको यहाँ पे मारते हैं, पहले किन कॉल निकालता है उस बंदे का। चारों बंदे इस तरीके से रश करके भाग रहे थे ना भाई, पिंक का तो डैमेज भाई साहब देख रहे हो, छह गल पे 4,500 से ज्यादा का डैमेज। दूसरी तरफ टगारू भी काफी जबरदस्त खेल रहे, 7 किल यहाँ पे टगारू। गाइस देखते हैं, गाइस जिसने भी स्ट्रीम को लाइक नहीं किया तो एक साथ लाइक जरूर यहां पे कर दो। और विंसेंजो का मेरे को कंफर्मेशन भी नहीं मिला था, और मेरे को देखते हैं विकाउंट तो शायद विंसेंजो का ही है, बट विंसेंजो खेल रहा है फिर कोई और प्लेयर खेल रहा है, एक किल देख के थोड़ा सा जरूर वो हम लोग लग रहा है, बट लेट्स सी। और अक्सर यूएमपी देखते हैं ना मैं, इनके हाथों में स्नाइपर बहुत कम मेरे ख्याल से। पिछली बार आए थे तो मैंने यूएमपी देखी थी बस भाई, मे भी हो सकता है गाइस, और वो मूवमेंट भी नहीं लग रहा है क्योंकि मेरा भी कंफर्मेशन नहीं था कि एमएटएन और वीआईपी के स्क्वाड ही आने वाले, विंसेंजो का नहीं था, हो सकता है अकाउंट से कोई और हो, बट मैं पूछ लूंगा वो बाद में, तो अपडेट मिल ही जाएगा, ओह करके पता करना पड़ेगा।
भाई क्या स्नाइपिंग हो रही है इधर से वीआईपी की तरफ से। उधर से भी भाई मेस्सी को बस बुलाना ही पड़ेगा। अरे 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 टगारू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस। लेट्स सी टगारू यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। नोटा को देखते हैं, यह भी को नोटा तीन के लिए यहाँ पे कर चुके हैं। बट क्या आज इनके डीगल यहाँ पे चलने वाली है। सामने प्लेयर जरूर है। अरे था पर मिस हुआ। तूफान यहाँ पे बचे गाइस। लेट्स सी तूफान को देखते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो काफी सही चल रही है। सामने वाली स्क्वाड काफी खतरनाक खेल रही है जिस हिसाब से यहाँ पे जानी जाती है। मैं टेन को यहाँ पे देख लेते हैं भाई। पांच की यहाँ पे करते हैं टेन। ओके टैप व्हाट है। टेन को भी यहाँ पे नॉक कर दिया गाइस। ये वाला राउंड भी कहीं ना कहीं बन सकते हैं क्योंकि 2v4 यहाँ पे सिचुएशन थी और अभी सिचुएशन यहाँ पे आ चुकी है 2v2 की। वाओ आ बॉल था ये भाई लिटरली क्या बंदे ने। विंसेंजो का यहाँ पे डबल किल एडब्ल्यूएम से। बट जो इस बंदे ने प्लेयर को सपोर्ट किया क्या अच्छा यहाँ पे मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे टीममेट का कोल यहाँ पे जरूर आया और वो जो 150 दिया है बड़ा ही जबरदस्त कहीं ना कहीं वहां से चेंज जरूर कर दिया है। तीन के लिए यहाँ पे अब निकाल चुके हैं गाइस। स्कोर यहाँ पे हो चुका है 2-5 यहाँ पे। ये कमेंट सेक्शन में कौन बोल रहा है कि दुपट्टा मेरा लेके भाग गया तूफान। अरे दुपट्टा चोर। ये सस्ता विंसेंजो तो कहां से लगे भाई। सस्ता तो नहीं है ऐसा हो सकता है कोई अकाउंट से कोई और हो क्या पता वो भी हो। बट आईडी आप लोग देख सकते हो। ये मैंने आईडी दिखा दी है। सस्ता तो नहीं है। दोनों बंदों का आप लोग देख सकते हो आईडी। ओ रे भाई ये बंदा ओपन में आया जरूर था। एक बंदे को फिनिश कर दिया। टगारू को देखते हैं। टगारू राइट हैंड साइड से डबल एडब्ल्यूएम इस बार ले लिया है भाई टगारू ने। गाइस क्या लगता है डबल एडब्ल्यूएम के साथ है भाई इस बार टगारू। 7 के लिए यहां पे गढ़ चुके हैं सर। डबल स्नाइपर भी काफी तगड़ी चलाते हैं टावर ऊपर। आज सामने टीम बहुत तगड़ी है और उन बंदों को स्नाइपर चलाने का एक्सपीरियंस इनका डबल है। कैसे चलेगी इनकी स्नाइपर जी। वही एक बंदा नीचे से जरूर आ रहे हैं और विंसेंट तो यहाँ पे होने वाले जो नीचे से होंगे। बट क्या वन टैप यहाँ पे लगा पाएंगे। क्या जेस भी यहाँ पे शॉट्स वन टैप कनेक्ट कर पाएंगे। तूफान को देख लेते हैं। तूफान नीचे की तरफ जरूर है बट उनको भी दिखे जरूर है कि नीचे यहाँ पे प्लेयर है गाइस। फोकस तो यहाँ पे एक बार के लिए गए जरूर है। टगारू यहाँ पे आई थिंक मेरे को लग रहा है क्या यहाँ पे फ्लैंक लेके वाइप आउट कर सकते हैं। बट एमेटन को फिनिश यहाँ पे कर दिया भाई। जेस भी काफी अच्छा यहाँ पे खेल रहा है भाई। धीरे धीरे किल्स यहाँ पे बटोर रहे हैं। यहाँ पे 4 किल कर दिए जेस भी ने भी। विंसेंजो को देख लेते हैं एडब्ल्यूएम के साथ है। बट हम लोग भी शौक है यार विंसेंजो इतना एडब्ल्यूएम इतना क्यों चला रहा है क्योंकि हम लोग देखते हैं विंसेंजो को ऑलमोस्ट यूएमपी वगैरह से रश करके मारने की महारत रखते हैं। तो सीधा घुसते हैं भाई। कोई बंदा आगे पहली बार रोटेशन भाई। अरे भाई देखते देखते एक और प्लेयर को नॉक कर दिया। बट गाइस इस बार भाई 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 तूफान खेले प्लेयर और उनको भी यहाँ पे फिनिश कर दिया भाई। लोरी ने यहाँ पे क्वाड्रा किल यहाँ पे गाइस। स्कोर यहाँ पे हो चुका है 2-6 यहाँ पे भाई। गेम की बात की जाए तो पहला गेम एक तरफा सा यहाँ पे कर दिया अभी के लिए। लॉरी कमी नहीं है 4 किल कर गई। क्या हुआ लॉरी कमी नहीं है 4 किल कर गई। भाई सब कहीं ना कहीं यहाँ पे स्नाइपिंग वगैरह से कहीं ना कहीं उस चीज से थोड़ी दिक्कतें जरूर दिख रही है। किसे स्नाइपर रहती है ना स्क्वाड पर जब साइड से तो बहुत इंपैक्ट पड़ता है इस गन का। और है चलिए ओटा का ऐड आए बट रिवाइव के लिए यहाँ पे। अरे भाई अरे भाई बार भी गजब गाइस यहाँ पे। भाई ये कौन चला रहा है मेरे को लग रहा है नोटा ही होगा यहाँ पे। जी हाँ गाइस नोटा ही यहाँ पे चला रहे हैं। टगारू ने यहाँ पे रेस जरूर किया है। अरे भाई टगारू ने ऊपर वाले बंदे को नीचे भगा दिया भाई। घर वाले बंदे को टगारू ने नीचे यहाँ पे भगा दिया। आई थिंक रिवाइव करने जरूर गए हैं। रिवाइव हो चुके हैं सारे प्लेयर्स भाई। क्या ही कमबैक यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। बट एमेटन यहाँ पे आगे बढ़ते हुए 5 के लिए यहाँ पे गिर चुके हैं। ये वाली जो फाइट है ना ये जरूर बोलेंगे बिल्कुल क्लोज रेंज की जो फाइट देखने के लिए मिल रही है। अरे अरे भाई चल क्या रहा है भाई। बट एक ही प्लेयर बचा है यहाँ पे। अकेले प्लेयर बचे हैं क्या पिछली बार की तरह 1v2 भाई भाई दो बार। हाँ भाई दो बार एक बार दूसरी बार भी एडब्ल्यूएम ऑलमोस्ट क्लच कर ही यहाँ पे दिया था। अरे भाई पड़ेगा 30 की हालत दो गोली चलिए।
कमबैक दिख रहा है कहीं ना कहीं। कमबैक ओपी बाय इंडियन सर्वर, नाइस जी गाइस। कमबैक इस बार किया जरूर है, 36 स्कोर हो चुका है। एक बार हम लोग देख लेते हैं डैमेज वगैरह भाई किसने कितने किल किए हैं इस गेम के अभी तक जो यहाँ पे मैच हुआ है गाइस। अपनी तरफ से जो यहाँ पे किए टगारू अभी तक 8 किल, जेसबी की बात की जाए 6 किल यहाँ पे कर चुके हैं, नोटा भी यहाँ पे 6 किल कर चुके हैं, तूफान ने डैमेज ऑलमोस्ट दोनों के बराबर दिया है, बट तूफान को 2 किल यहाँ पे मिले हैं। दूसरी तरफ से देखा जाए तो सबसे ज्यादा किल गाइस यहाँ पे लोरी भैया कर रहे हैं यहाँ पे, बट डैमेज यहाँ पे पिंक का सबसे ज्यादा है। एमिटन की बात की जाए तो गाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 3000 के अराउंड यहाँ पे डैमेज उन्होंने दिए, 5 किल यहाँ पे निकाले जरूर है, शॉटगन के साथ खेल रहे हैं, बट भाई AWM का शॉट उनको पड़ा यहाँ पे जरूर है। एक शॉट और 2 मेडिसिन खत्म, पर आप फाइट लेने से भी कतराते हैं ब्रो, ये चीज बहुत गंदी है भाई स्नाइपर। एक शॉट पड़ गया ना तो बंदा पीछे जाएगा भाई, हील करेगा बस पहले, अब मेडिसिन भी खत्म खत्म हो जाती है पूरी की, वो बंदा आगे वाला दूसरे डैमेज पे मेडी कर पाए। भाई 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 विंसेंट जो भाई घर के अंदर एमिटन की बात की जाए तो लेफ्ट हैंड साइड है, बट आई थिंक मेरे को लग रहा है इधर कोई भी यहां पे प्लेयर नहीं है। पिंक को यहां पे देखते हैं भाई, चेक किल कर चुके हैं, और सबसे ज्यादा जो किल है वो प्लेयर की बात की जाए तो सेंटर में यहां पे बैठे यहां पे जरूर है 11 किल के साथ में, और विंसेंट जो भाई कैसे नॉक कर दिया, और एमिटन को भी यहां पे नॉक कर दिया है ऊपर से कूदे और एलिमिनेट। भाई ये क्या भाई, अच्छा हाँ इधर साइड कूदते तो कहीं ना कहीं दिक्कत, हाँ। बट सामने की साइड भी यहाँ पे कूद सकते थे। अरे अरे क्या मारा कबड़ी, बहुत खेल रहा है वो। हाँ लोरी अच्छा खेल रहा है भाई, अब यहाँ पे बचे लोरी अकेले गए, क्या बोलते हो गए, इंडिया ओपी हो जाए चैट में, कमबैक तो काफी जबरदस्त यहाँ पे कर रहे हैं, हाँ। कितने राउंड यहाँ पे हम लोग देखने को मिलेगा भाई, और आई थिंक यहाँ पे गाइस बात की जाए इस बार तूफान चमके जरूर है, 4 किल यहाँ पे हो चुके हैं तूफान के भी, 4-6 यहाँ पे स्कोर हो चुके हैं गाइस। क्या लगता है भाई लोग कमेंट करके बताओ, क्या यहाँ पे 7-6 हो सकता है या फिर आने वाले 1-2 राउंड में फिनिश हो सकता है, क्योंकि यार पिछले कुछ राउंड काफी अच्छे यहाँ पे निकाले जरूर है, जो 3-4 राउंड की बात की जाए तो देख हम लोगों ने काफी अच्छे यहाँ पे निकाले हैं, बट अब गेम की यहाँ पे बात करनी होगी भाई, कैसे यहाँ पे मैचेस यहाँ पे जाएंगे। से बहुत ओपी कोऑर्डिनेशन आया इंडियन सर्वर में से, और बस एक ही चीज की कमी मेरे को दिख रही है वो AWM, जो कहीं ना कहीं मेसी को आने के बाद में गाइस पूरी जरूर आने के बाद वो और देखते हैं बिल्कुल फ्री हो जाएंगे स्नाइपर से। हां टगर पे, अरे अरे नोटा को डाउन कर दिया, नोटा के पास पर के लिए भी कोई भी प्लेयर्स यहां पे नहीं है भाई, स्मॉल हो भाई सब तूफान की बात की जाए तो यानी कि काफी पीछे हैं, तीनों प्लेयर्स पूरे अलग अलग यहाँ पे हो गए हैं, और कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है अब ये वाले गेम में मुश्किल हो सकती है, इस वाले राउंड में यहाँ पे कहीं ना कहीं मुश्किल भरा ये वाला राउंड जरूर होगा, 3v4 फाइट लेनी है, और वो भी तीनों प्लेयर्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, अगर सामने वाली स्क्वाड भाई 2 प्लेयर्स के भी गैप में आती है पेयर में आती है तो प्रॉब्लम होगी भाई, आई थिंक मेरे को लग रहा है बाल बाल बचे यहाँ पे मेरे को लग रहा है भाई। विंसेंट को देखते हैं आगे की तरफ बढ़ते हुए, UMP के साथ है गाइस यहाँ पे, और विंसेंट जो ऐसा तो वो बहुत ही कम देखता हूँ भाई मैं ऐसा, वो पहनते हुए तो बहुत ज्यादा लाइट लाइट कपड़े पहनता है, लाइट बंडल जो होते हैं ना। एमेटन को देखते हैं गाइस, ये अभी को एमेटन एमेटन आगे की तरफ, दोनों टीमों के प्लेयर्स डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, अरे 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 भाई क्या बचे भाई, एमिटन भी पछता रहे होंगे, विंसेंजो को यहाँ पे रॉक कर दिया भाई, ये वाइट गाइस वापस से यहाँ पे 2v3 आई थिंक मेरे को लग रहा है 3v2 हो सकती थी यहाँ पे, बट एक प्लेयर नॉक हो गए, जेसबी ने अपना नॉक यहाँ पे जरूर दिया है, डारू की हेल्थ नहीं है ब्रो और मेडिसिन भी नहीं है इनके पास मेरे ख्याल से भाई, अब मेडिकेट की दिक्कत ब्रो, 2v2 की सिचुएशन है, और टगारू ने अरे गजब गजब गजब, बट तूफान नॉक हो गए भाई, टगारू को खेला प्लेयर करता है 1v2, टीक्स हील भी नहीं कर सकते, अरे रे 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 अरे भाई ओ भाई इसको उसको भाई, अरे यार उसको पोजीशन का ही नहीं पता था, बट पिंग ने यहां पे फिनिश कर दिया है, जो एक प्लेयर नॉक होता है कहीं ना कहीं।